ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਵਨੇਤਸੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਬਸਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਨੇਤਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸੂਦ, ਚਿਰਾਗ ਸੂਦ, ਅਮੰਗ ਸੂਦ, ਨਵਨੀਤ ਸੂਦ, ਵੰਦਨਾ ਸੂਦ, ਵਿਕਰਮ ਸੂਦ, ਕੰਚਨ ਸੂਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਪਿਪਲੀ ਮੰਦਿਰ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। बच्चा जब आपके घर में पैदा होता है तो कहते हैं कि बेटा ये हेड है, ये सिर है, ये कान है, ये नाक है, ये तुम्हारी टंग है, ये तुम्हारी जीभ है, ये तुम्हारे दांत है, ये तुम्हारा हेड है, ये तुम्हारी लेग है। ये ज्ञान हम क्यों देते? क्योंकि उसे पता नहीं है। हम सिखाते हैं उसे, फिर स्कूल में जाकर के वो ABCD सीखता है। ये कहां का ज्ञान है बताओ? ये ज्ञान है संसार का ज्ञान। और उस ज्ञान में भी प्रदेशों का ज्ञान अलग अलग है। पंजाब में रहने वाले पंजाबी भाषा का प्रयोग करते हैं, दिल्ली में रहने वाले हिंदी बोलते हैं, गुजरात में रहने वाले गुजराती बोलते हैं। इन सब का कभी हम गहन करें तो गरुड़ जी ने भगवान से प्रश्न किया, किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। संस्कृत किनकी भाषा है? देवताओं की भाषा है। और हम सबके ऊपर देवताओं का नियंत्रण है। ब्राह्मणों के द्वारा हम संस्कृति में उनका ध्यान करवाते हैं। और भगवान क्या है? भगवान है शांताकार, शांताकारम भुजंग शयनम। क्षमा करना अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगे तो। आप सभी के लिए कितने सुंदर यहां पर गद्दे बिछाए गए, उसके ऊपर स्वच्छ चद्दर बिछाई गई है। वहां पर बैठकर भी हम अशांत है, इधर उधर विचार कर रहे हैं, थोड़ा सा कोई आवाज आ जाए, कोई थोड़ा सा कोई भी व्यक्ति अंदर आ जाए तो हम इधर उधर देखना प्रारंभ कर देते हैं। तो हम तो इन गद्दों के ऊपर बैठकर भी अशांत हैं, लेकिन भगवान शांत कहां है? भुजंग शयनम। सांपों के ऊपर, भुजंग कहते हैं नाग देवता को, शेष नाग के ऊपर बैठकर भी भगवान शांत रहते हैं। जहां पर छोटा सा भी सांप का बच्चा आ जाए तो इधर उधर भागेंगे हमसे। तो शांति देने के लिए आया है किसी आत्मा को, लेकिन उससे पूर्व हम विचार कर लें कि क्या हम शांत हैं, क्या हमारे पास वो वस्तु है जो दूसरे को देने के लिए आए हैं। दी तो वही वस्तु जाती है जो आपके पास है। आपके पास धन है तो दूसरों को दोगे, आपके पास खुशी है तो दूसरों में बांटोगे, आपके पास दुख है तो लोगों को रो करके दिखाओगे, आपके पास वस्त्र है ज्यादा तो दूसरों को दे देंगे। हमारे पास जो वस्तु है हम वही तो देंगे, लेकिन हमारे पास शांति है ही नहीं तो हम दूसरों को क्या देंगे? गरुड़ जी ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु व्यक्ति जब मर जाता है तो मरने के बाद कहां जाता है? तो बताओ कि जे हम सबका प्रश्न हुआ कि नहीं हुआ? ये सार्वभौम प्रश्न है, क्योंकि गरुड़ जी की बात करें तो गरुड़ जी तो भगवान के पास रहते, उन्हें तो मरना नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि गरुड़, व्यक्ति जब मर जाता है तो वो दो प्रकार की यात्रा करता है। दो प्रकार की यात्रा है मरने के बाद, एक सुखमय और दूसरी दुखमय। सुखमय यात्रा किनकी होती है? जो भगवान के भक्त है, जो भगवान को जान लेते हैं, जो इस मनुष्य जीवन का जो सदुपयोग करते हैं। अब हमें यह भी नहीं पता कि सदुपयोग कैसे करना है इस जीवन का,
तो वो भी शास्त्रों में गरुड़ पुराण में भगवान बड़े विस्तार से सुनाते हैं, लेकिन हमारे पास तो केवल एक घंटे से भी 15 मिनट कम है। तुम इतनी जल्दी कैसे सीख पाएंगे? उसके लिए तो आपको खुद ही प्रयत्न करना पड़ेगा। अब गरुड़ पुराण की बात करूं तो गरुड़ पुराण तो आप अपने घर में पढ़ने से डरते हैं कि गरुड़ पुराण तो वहां पढ़ा जाता है जहां व्यक्ति मरता है, जहां पर मृत्यु होती है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम सभी मरे हुए हैं, हमें से कोई भी जी नहीं रहा, एक एक दिन हम मर रहे हैं। इसलिए कभी सबसे पहले तो इन भ्रांतियों से मुक्त होकर के ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। चलो फिर भी अगर गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना तो और अन्य ग्रंथ है, रामायण पढ़ लो। रामायण में भी भगवान शिव मां पार्वती से यही कहना चाहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना। हम अपने घर में कोई काम करें तो कोई बड़े बूढ़े व्यक्ति को लेकर के आते हैं, किसी समझदार व्यक्ति से हम सलाह लेते हैं ना। हम कहते हैं कि भैया आपको एक्सपीरियंस है, बताइए कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और भोले बाबा को तो हम सभी जानते हैं, हम सभी मानते हैं। अब विचार करके देखो कि भगवान भोले शंकर से ज्यादा कोई समझदार होगा, वो कितने अनुभवी होंगे। मैं इस परिवार से कम 55 साल से मेरा इनके घर में आना जाना है। बहुत ही पूजा जो इनका परिवार है वो भगवान का भगत है, परंतु दुख और सुख ये केवल मात्र हमारे जितने भी ग्रंथ हैं कहते हैं कि क्या है, अरणानुबंधन है। जीव जब जन्म लेता है, श्रीमद् भागवत में आया है कि ऋणानुबंधन है, चंद्रकेतु जी की कथा है, समय कम है। और क्या है कि कोई ना कोई हम ऋण चुकाने आते हैं, कोई ऋण लेने आता, बस जब वो ऋण खत्म हो जाता है यहाँ का, जीव यहाँ से प्रस्थान कर जाता है। बस यही जो है हमारे सब ग्रंथों का सार है। इस दुख में बहुत से हमारे शहर के सामाजिक कार्यकर्ता और माननीय जो सदस्य हैं आए हैं। युवा अवस्था के बीच किसी मेंबर का परिवार तो चले जाना ये बड़ा कष्टदायक है, और ये दुख जिहड़ा है ये परिवार ही उसनू ज्यादा एहसास कर सकता है, और उहदे विचों ही पत्नी और बच्चे जिन्हां दे नाल बिल्कुल निकटता संबंध प्राणी का होता है, तो उसका तो कोई ज्ञान नहीं किया जा सकता। तो ये जो एक दुखां का पहाड़ परिवार के उत्ते गिरिया है उहदे विच अज असीं सारे जो लोग आए हैं उन्हां नूं साहस वास्ते उन्होंने दुख देदार होकर उन्होंने दुख में कट करने वास्ते इतने कर्तव्य हुए हैं। जिहड़ा जिंदगी का सारा सार है वह सारा असी सुने, लेकिन साड़ी सभ्यता संस्कृति के ऋषिया मुनिया ने एक ऐसी व्यवस्था की है, एक ऐसी साड़ी आस्था बनी है कि उस आस्था के कारण वड्डे तो वड्डा दुख सहन का भी व्यक्ति नूं बल मिलता है। जेतवाली बहुत ही धार्मिक समाजिक और स्वभाव से लोगों का मिलना जुलना प्यार बोलना जिन्हों एक बार मिल जाते थे वो उन्होंने होकर रह जाता था। उन्हीं ने बहुत बड़ी कमी आई है, पहले परिवार में भी आई है, दोस्तों मित्र साथियों रिश्तेदार भी आई है, और इस मौके पर यो असी लोग कर सकते हैं कि परम पिता परमात्मा अगे प्रार्थना करिए कि ऋषि योग को अपने चरणों में स्थान देवे, और जो परिवार है छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें चल करके जिन्होंने हमें बड़ा कुछ देखना सी उन्होंने यह अगैर दे सह कुछ सहन की क्षमता कर ताकि तुम सारे ही अपना कीमती समा कट के बहुत प्रशिक्षण जितने पहुंचे हो। मैं सारे का ही परिवार को बहुत मानती है, और
आओ सारे जाके उन्होंने आत्मा की शांति पाते।